मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जैसा आपको विदित है आज संविधान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस भी है जिसको बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान लिख के देश को समर्पित किया था उसमें बाबा साहब का योगदान रहा था और बाबा साहब ने बहुत ही योगदान और संघर्ष के साथ जो ये संविधान लिख के भारत को समर्पित किया, हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। बाबा साहब को हमेशा याद करते रहेंगे। बाबा साहब, मैं बताना चाहता हूँ, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उस दौरान उनको पढ़ने का बहुत शौक था। जब खाली समय हुआ करता था उनके पास तो लाइब्रेरी में जाकर अपना पढ़ना लिखने का काम करते थे। जो वहाँ का लाइब्रेरियन हुआ करता था बाबा साहब से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि वो बार बार किताब लेकर पढ़ना और बार बार रखना उसको ये गवारा होता था कि वो परेशान रहता था बाबा साहब से। एक बार लाइब्रेरी के सुपरिंटेंडेंट को उन्होंने शिकायत की कि ये इंडियन मुझे बहुत परेशान करता है, बार बार किताब लेता है और पढ़ता है और रख देता है, मुझे बहुत दुखी कर रहा है। तो एक बार की बात थी, बाबा साहब ने 5 मिनट के अंदर एक किताब पढ़ी, रख दी, दूसरी किताब ली, वो भी 5 मिनट पढ़ी, रख दी, तीसरी किताब ली, 5 मिनट पढ़ी, रख दी। तो उसने जब वहाँ के सुपरिंटेंडेंट को बुलाया, उसको कहा जी मैं इसके साथ नहीं रह सकता, या तो इसको यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाए या फिर इसको बताएं या इसको कोई दंड दें कि ये मेरे को परेशान ना करें। जब वहाँ पे बात रखी गई, बाबा साहब को पूछा गया कि भाई आप इस तरीके से लाइब्रेरी के इस आदमी को क्यों परेशान करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया जी मैं परेशान नहीं करता, मैं किताब लेता हूँ, पढ़ता हूँ और जब पढ़ लेता हूँ तो उसको रख देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई इतनी जल्दी इतनी बड़ी किताब आप कैसे पढ़ लेते हैं? तो बाबा साहब ने कहा आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसमें कहीं से भी आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको लगता है मैं जवाब दे रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो मेरे को जो दंड देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो बाबा साहब से पूछा गया, बाबा साहब ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया और बाबा साहब को उसके बदले उन्होंने बोला कि बाबा साहब आप मांगिए, बताइए क्या आप चाहते हैं, हम इसका आपको इनाम देना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा जो यूनिवर्सिटी के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा क्या था कि भारतीय डॉग नॉट अलाउड इट, कि भारतीय कुत्तों का यूनिवर्सिटी में आना अनिवार्य है। तो हाँ, तो इसलिए बाबा साहब ने कहा मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो तो उस बोर्ड को वहाँ से हटा के फेंक दिया जाए, मेरे लिए वही मेरे लिए इनाम होगा। तो साथियों, उन्होंने उसी दिन उस बोर्ड को हटा के फेंक दिया और बाबा साहब के बाद वहाँ पे कितने भारतीय लोगों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया, नहीं तो उससे पहले भारतीय लोगों का वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ना अलाउड नहीं था। तो मैं संविधान स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हमारी गोकर्णपुर विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक, DDC के चेयरमैन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आम आदमी पार्टी से, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जो बड़ी कर्मठता के साथ में उत्तर प्रदेश के चुनाव की देखरेख कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम सभी की दिलों पर राज करने वाले बड़े भाई चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, मेरे साथ में यहाँ मंच पर विराजमान जितने भी मेरे संगठन के साथी हैं, मित्रगण हैं, और सामने बैठे हुए मेरे भाई और माताएं बहनों को मैं स्पेशल तौर पर नमन करूँगा कि अपना घर जो इस समय खाने पकाने का होता है वो सब उसको त्याग करके हमारे बीच में उपस्थित है। मैं विशेष धन्यवाद आपका देता हूँ और सभी को आज के दिन के लिए जय भीम और जय हिंद कहता हूँ।
देखिए आज हमारे लिए दो दो खुशियों भरा दिन है। पहला तो जो बाबा साहब ने अपनी त्याग तपस्या और बलिदान से इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की रचना की थी, 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संपूर्ण करके ये इस देश को सौंपा, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। और उसी दिन 63 साल बाद इस दिल्ली में एक पार्टी का उदय हुआ, जिसके आप और हम कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी। 26 नवंबर 2012 में इस पार्टी का उदय हुआ और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस पार्टी की स्थापना करने के साथ साथ इस देश को एक नए संदेश देने का काम किया। वो क्या देने का काम किया? उन्होंने आज के समय में भी ये साबित करके दिखा दिया कि इस देश में यदि कोई सचमुच संविधान से चलने वाली कोई पार्टी है, कोई संवैधानिक पार्टी है, संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है, तो वो पार्टी है जिसके आप और हम कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी। साथियों, हमें बड़े गर्व से कहना पड़ता है, कहते हैं और कहते रहेंगे कि सचमुच इस देश में काले युग का अंत करने के लिए एक किसी चमकीली पार्टी ने, उजाला फैलाने वाली पार्टी ने इस देश में भी जन्म लिया है, आम आदमी पार्टी ने। और देखिए, जो हमारे संविधान में विश्वास करते हैं, इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं, कानून व्यवस्था में विश्वास करते हैं, हमें भी गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज के दिन मैं आप इन दोनों महापर्वों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी आत्मा से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी इस पार्टी से, इस देश से प्यार करता है, वो इस पार्टी के लिए, इस देश के लिए कर्मठता का सबूत देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना जो भी फर्ज हो सके उसे संपूर्ण तरीके से निभाए। जय भीम, जय हिंद। हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने इस दिल्ली के, दिल्ली प्रदेश में 2008 से 2012 के बाद भी इतिहास रचा था, वो इतिहास इस बार भी रचना जा रहे हैं, इसलिए एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। संविधान दिवस की शुभ अवसर पे आज मैं आप सभी को, इसकी आवश्यकता है, आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामना देता हूं कि आज पार्टी का फाउंडेशन डे है और संविधान दिवस का भी, आज संविधान दिवस भी है, तो दोनों की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, अभी जितेंद्र जी ने बताया कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हुआ, संपूर्ण हुआ, और जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सौंप दिया कि संविधान अब हमारा संपूर्ण हो गया है। परंतु उसी टाइम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान बहुत अच्छा है, परंतु अगर इसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो ये अच्छा साबित नहीं होगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन की बहुत बड़ी तपस्या और परिश्रम के बाद ये संविधान तैयार हुआ है, परंतु जो बाबा साहब ने कहा आज वही सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो इस देश को संविधान के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो संविधान में समानता की जो बात है वो नहीं है, इस संविधान में समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय, ये सब चीज़ें हैं, परंतु उसके हिसाब से संविधान को नहीं चलाया जा रहा। यहाँ जो संविधान में शिक्षा समान होनी चाहिए वो शिक्षा समान नहीं है, शिक्षा का भी निजीकरण कर दिया गया है। बार बार काबिलियत की बात करते हैं, बहुजन समाज में काबिलियत की कमी नहीं है, अवसर अगर मिलेगा तो काबिलियत सिद्ध करी जाती है। हमारे चौधरी सुरेंद्र कुमार जी
2008 में जब विधायक बने उन्हें अवसर मिला काम करने का। उस टाइम ये विपक्ष के विधायक होते थे, पक्ष के विधायक नहीं होते थे। इनको उस टाइम सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला। तो अपना जब अवसर मिलता है तो अपनी काबिलियत सिद्ध करते हैं। इसी तरह जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अवसर मिला तो भारत का संविधान लिख दिया। जब जोगिंदर सिंह मंडल को पाकिस्तान का संविधान लिखने का अवसर मिला तो पाकिस्तान का संविधान लिख दिया। कृष्णा कुमारी पेरियार को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो नेपाल का संविधान लिख दिया। आप 5 साल का रिजल्ट उठा कर देखेंगे सिविल सर्विस का, उसमें बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने उसे 3 बार टॉप किया। मतलब अगर अवसर मिलेगा तो अवसर सिद्ध करने में, अवसर को लेने में कोई भी काबिलियत की कमी नहीं है। काबिलियत तभी दिखाई जाती है जब काबिलियत का दिखाने का नंबर आता है। संविधान की वजह से ही आज विधायक जी विधायक हैं, जितेंद्र जी हमारे काउंसलर हैं, मैं भी दिल्ली सरकार में डायरेक्टर हूँ। अगर संविधान में आरक्षण ना हो तो हम विधायक पार्षद क्या, हमें कोई गांव का मेंबर तक नहीं बनाएगा। ये सब बाबा साहब की देन है, इसमें हमारा किसी का कोई भी योगदान नहीं। एक बार जोरदार तालियां आप इस चीज़ के लिए बजाएंगे। इस देश में जो संसाधन है वे सब बेचे जा रहे हैं और यहाँ निजीकरण करा जा रहा है। निजीकरण में कोई आरक्षण नहीं है। जब कोई आरक्षण नहीं है निजीकरण में तो ये संविधान पे भी एक तरह की चोट है। संविधान के हिसाब से इस देश में काम नहीं हो रहा है। अभी मैं IAS की बात कर रहा था, जब बच्चों को मौका मिला तो यहाँ की सरकारों को लगा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वे बहुत आगे निकल रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि लेटरल एंट्री के द्वारा IAS की डायरेक्ट भर्ती करना शुरू कर दिया। संविधान आज के टाइम खतरे में है, संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा। जितने आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो आम आदमी है, बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें उस पर विचार करना चाहिए। अगर संविधान जिंदा है, संविधान है तो आप और हम जिंदा हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा, संविधान को ही बदल दिया जाएगा तो वो फिर दिन दूर नहीं है कि हम फिर दोबारा से गुलाम हो जाएंगे। इसलिए संविधान का हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और जो एक बात कह के ख़त्म करूँगा, जो हमारे बीच में हमारी बहनें बैठी हैं उनको समझ लेना चाहिए कि जो यहाँ दलितों की हालत थी वो यहाँ की महिलाओं की हालत थी। वे किसी भी समाज की महिलाएं हों, जो दलितों पर अत्याचार होता था वही महिलाओं पर होता था। बाबा साहब ने 1952 में हिंदू कोर्ट बिल ले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को भी समान अधिकार होना चाहिए, उन्हें पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, उनको बराबर में खड़ा होने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें नौकरी में अधिकार होना चाहिए। आज आप और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, आप बस एक ही बात समझ लेना कि आप बाबा साहब की वजह से बैठे हैं, नहीं तो किसी को भी कोई अधिकार नहीं था। आज संविधान दिवस है, ये हमारा एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, इसको भी हमें पर्व के रूप में मनाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि संविधान में हमारे लिए क्या दिया था। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा स्पीच ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, विधायक जी को कहीं जाना है। तो बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे, सब इकट्ठा होकर काम करेंगे। आप इस टाइम सब यहाँ इकट्ठा है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। विधानसभा अध्यक्ष और मेरे सभी भाई और बहनों, सभी को आज के उपलक्ष में संविधान दिवस की और आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय भीम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को लिखकर भारत के सपोर्ट किया था। ये सब आपको जितेंद्र भाई और रोशनलाल भाई ने बताया, मैं इनसे थोड़ा अलग हट के ही बताना चाहूँगी। जिस टाइम अंग्रेज भारत सरकार को भारत को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने ये पूछा, भाई हम आपको देश तो देकर जा रहे हैं, आप चलाओगे कैसे इसको? तब सभी आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उस टाइम महात्मा गांधी जी थे, चाचा नेहरू थे,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, सभी ने LLB कर रखी थी, सभी वकील थे, लेकिन सभी से जवाब नहीं बना। तब उन लोगों ने अपनी एक बैठक की, उस बैठक में उन्होंने विश्व रतन बाबा साहब को ढूंढ कर निकाला और संविधान लिखने का कार्य किया। उससे पहले उन्होंने दो कमेटी बनाई, संविधान कमेटी, जिसका अध्यक्ष उन्होंने एक कमेटी का राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया, दूसरी कमेटी का बाबा साहब को बनाया। तो उस कमेटी के सदस्य 14 लोग बने थे, जिसमें आप सभी जानते हैं कार्यकर्ता सभी नहीं काम करते, वही हाल उस समय कमेटी का था। तो सभी पूरी रूप से कार्य ना कर पाए, बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके और इतने बड़े लोकतंत्र, पूरी दुनिया के जो लोकतंत्र देश है हमारा भारत देश, इसका संविधान दिया। और सभी इसी, क्योंकि इसका नाम लोकतंत्र इसलिए पढ़ा गया सबको सबसे बड़ा, क्योंकि इसी देश के अंदर भिन्न भिन्न भाषाओं के भिन्न भिन्न देश के लोग रहते हैं और सभी को एकजुटता का सम्मान दिया, कोई भेदभाव किसी के लिए नहीं था। आज जो हम माताएं बहनें आज सभी भाइयों के साथ बराबर में कंधे से कंधा मिलाकर बैठी है, चाहे 1 क्लास ऑफिसर है कोई, चाहे 4th क्लास में है, ये सब हमें संविधान की बदौलत है।